तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी, सबसे पहले जो भी नंबर यहाँ लिख रहा है सेम का सेम लिखेंगे, टू थोड़ा स्पेस देते हैं, टू सेवन एट फोर सिक्स, ठीक है जी। अब स्टूडेंट प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इस वाली जो ये नंबर दिया गया है बाद वाला, इसे एक्सपेंड करना है। स्टूडेंट पहले डिजिट क्या है, फाइव, फाइव लिख लीजिए। फाइव का आगे वन टू थ्री फोर डिजिट है तो फोर जीरो लगा दीजिए। स्टूडेंट अगर देखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो स्टूडेंट जो फाइव है वो टेन थाउजेंड पे है, यानी कि फिफ्टी थाउजेंड, ये फिफ्टी थाउजेंड होगा, सेवन थाउजेंड हो जाएगा, सिक्स हंड्रेड, थ्री थर्टी और प्लस टू। ओके स्टूडेंट, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड। ओके स्टूडेंट, जैसा हमने पहले बताया था स्टूडेंट आपको कि भाई वंस की डिजिट वंस में ऐड होगी, टेंस की टेन में होगी, हंड्रेड की हंड्रेड में ही होगी, है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप वंस को टेन में ऐड कर दें, हंड्रेड में ऐड कर दें, थाउजेंड में, तो स्टूडेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर सिक्स को आप टू में ऐड करें तो एट आएगा, और यहाँ टेन पर थ्री आया, टेन पर फोर है तो सेवन हो जाएगा, हंड्रेड पे सिक्स है और हंड्रेड पे एट है तो फोर्टीन हो जाएगा स्टूडेंट, केरी वन थाउजेंड प्लेस पर वन केरी ऐड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी सेवन है थाउजेंड पे, यहाँ भी सेवन सेवन फोर्टीन और वन फिफ्टीन, अब केरी वन, टेन थाउजेंड पे स्टूडेंट फाइव है, टेन थाउजेंड पे टू है, कितना होगा सेवन और वन एट, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसे इसमें ऐड कर लेंगे, वन टू थ्री फोर, फाइव नंबर पे है, वन टू थ्री फोर फाइव नंबर पे है। ओके स्टूडेंट, तो फाइव पे है, फाइव पे है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, फाइव और टू सेवन। ओके स्टूडेंट, वन टू थ्री फोर सेम की सेम डिजिट रहेगी। अब ये इसमें ऐड हो गया तो इसे लिखा नहीं जाएगा, बाद का लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब ये वन टू थ्री फोर, फोर नंबर पर ऐड होगा, वन टू थ्री फोर यहाँ पे ऐड होगा स्टूडेंट, तो यहाँ सेवन है, सेवन में सेवन जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा फोर्टीन, और जी सेवन और वन एट, तो ये हो गया स्टूडेंट। और तीन जीरो है तो एट फोर सिक्स सेम का सेम आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसमें आ गया, अब क्या करेंगे, अब इसे लिख देंगे, अब स्टूडेंट यहाँ पे वन टू थ्री प्लेस पे सिक्स ऐड होगा, स्टूडेंट कितना होगा फोर्टीन हो जाएगा यहाँ, और वन के लिए यहाँ फाइव हो जाएगा, और यहाँ एटीन रहेगा, ठीक है। और फोर का फोर सिक्स का सिक्स, अब थर्टी प्लस टू। ओके स्टूडेंट, अब टेन प्लेस पर ऐड होगा थ्री, तो स्टूडेंट यहाँ सेवन हो जाएगा, यहाँ सिक्स का सिक्स रहेगा, यहाँ फोर, यहाँ फाइव, यहाँ एट, ठीक है जी। अब ये टू हो गया। अब स्टूडेंट
एट का एट, फाइव का फाइव, फोर सेवन एट। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। अगर स्टूडेंट आपको ऐसे नहीं आता करना तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें ऊपर नीचे रख के ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये हमने पहले यहाँ ऐड करा था, एट है एट है, फाइव है फाइव है, फोर है फोर है, सेवन है सेवन है, एट है एट है। तो स्टूडेंट देखिए, दोनों आंसर मैच हो रहे हैं ना हमारे, तो ये हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो इन दोनों को ऐड करके भी यही आंसर है। आप जो दूसरे मेथड से ऐड किया ब्रेकिंग वाले, तो स्टूडेंट तब भी हमारा वही आंसर आता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका सी। तो स्टूडेंट ये सी वाला क्वेश्चन है, पहले इन्हें भी ऐड कर लेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड्स, लैख। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड्स, लैख। स्टूडेंट जो ये कार्य है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा वर्क है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये स्टूडेंट हमारे सॉल्यूशन करने का एक तरीका है ना, हम इन्हें रफ कॉपी पे भी एक ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए रफ कॉपी पे, ऊपर नीचे रख के कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं आते आपसे तो आप इन्हें रफ कॉपी पे लिख के ऊपर नीचे कॉलम में अरेंज करके कर लीजिए। और स्टूडेंट हम आपको ऐसे भी सिखाना चाहते हैं तो आप सीख लीजिए। वंस वंस में ऐड होगा, जो के लिए लगेगा वो टेन पे लगेगा अगले में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब वन लिखा है, यहाँ सिक्स लिखा है, तो कितने हो जाएंगे, सेवन हो जाएंगे। अब टेन टेन करेंगे, जीरो है थ्री है, तो थ्री रहेगा स्टूडेंट। हंड्रेड पे फोर है, हंड्रेड पे वन है, कितना हो जाएगा फाइव। अब स्टूडेंट थाउजेंड पे फाइव है, थाउजेंड पे फोर है, कितना हो जाएगा नाइन। और टेन थाउजेंड पे स्टूडेंट वन है, और टेन थाउजेंड पे जीरो है, तो जीरो वन वन ही रहेगा। और लैख पे भी टू है, लैख पे भी टू है, टू टू कितना हो जाएगा फोर। ठीक है जी, ऐसे ही हमारा रफ कार्य है। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हमने पहले ही लिया है, अब ये बाद में मैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो भी डिजिट है आपके पास, उसे आप सेम की सेम लिखेंगे। अब जो भी नंबर दिया है स्टूडेंट, उसे क्या करेंगे, उसे एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे टू लिख रहा था, टू लिखेंगे, टू का आगे कितने डिजिट है स्टूडेंट, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव जीरो लगाएंगे। अब फिर ऐड का चिन्ह लगाएंगे स्टूडेंट, ये टू लैख हो गया। वंस, टेंस, हंड्रेड, देखो ऊपर पड़े ही है, टू लैख हो गए। अब जीरो है स्टूडेंट, जीरो को नहीं लिखेंगे, है ना, जीरो लिखेंगे तब भी उसका मान जीरो, या कुछ भी नहीं लिखेंगे, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ भी जीरो ही होती है। तो स्टूडेंट इसे हम छोड़ दें। अब हम क्या करेंगे, फाइव लिखेंगे। अब फाइव का आगे वन टू थ्री, ऐड कर दीजिए। कैसे चाहते हैं स्टूडेंट, एक जीरो लगा सकते थे। अब फोर है, फोर के आगे टू जीरो, फिर स्टूडेंट यहाँ भी जीरो है, टेन प्लेस पे सभी छोड़ देंगे, यहाँ सिक्स लिख देंगे। ठीक है जी, अब स्टूडेंट इस डिजिट में हम ये वाली डिजिट ऐड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स नंबर पे ऐड होगी स्टूडेंट, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स नंबर पे ऐड होगी। तो सिक्स ये है, अब सिक्स ही है, तो टू टू कितने हो जाएंगे जी, फोर। ओके स्टूडेंट, अभी सब जीरो है, ये सब जीरो इसके नीचे है, तो वन फोर वन थ्री वन, अब यहाँ ऐड कर सकते। अब स्टूडेंट ये तो हट गया, इसमें ऐड हो गया, अब ये लिखेंगे फाइव जीरो जीरो जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते तो आप स्टूडेंट ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे लिखिए संख्या को कहीं आप कॉपी पे,
ऐसा ऐड कर लीजिए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 फोर नंबर पे ऐड हो गए, 1 2 3 4 स्टूडेंट, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, 1 का 1 4 का 4 और 1 3 1 ओके स्टूडेंट, यहाँ प्लस का 6 बन जाएगा। तो यहाँ क्या था 400 प्लस 6, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये इसमें ऐड हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, 400 प्लस 6 बच गया। तो स्टूडेंट इसे इसमें ऐड करेंगे, 1 2 3 नंबर पे ऐड होगा, 1 2 3 तो यहाँ कितना है स्टूडेंट 1 और यहाँ कितना है 4, 1 4 कितना हो जाएगा 5 9 1 4, ठीक है जी। और 3 और 1 प्लस 6, अब स्टूडेंट 4 का 4 1 का 1 5 9 का 9 5 का 5 2 का 2 और 1 1 प्लेस पर ऐड हो जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा स्टूडेंट। ये इसका आंसर, इस आंसर को आप मैच कर सकते हैं 41 41 95 37 स्टूडेंट, दोनों देख लीजिए आप बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही आ गया। ओके स्टूडेंट अब हम डी वाला क्वेश्चन लेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले हमने 11 10 डाल के ऐड कर लिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सी को करा था या बी को करा था, ए को किया था। ओके स्टूडेंट अब जो दूसरे वाला नंबर है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सपेंडेड कर देंगे। 2 के आगे कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब ऐड करो, अब स्टूडेंट 5 5 का आगे 4 आ जाएंगी, 5 का आगे 4 आ जाएंगी, 3 का आगे 3 आ जाएंगी क्योंकि 1000 प्लेस पे है, और 100 के आगे 2 और 6 10 प्लेस पे है तो 60 हो जाएगा और जी 2। ओके स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब इसे 2 लाख को इसमें ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना स्टूडेंट, 6 प्लेस, ये भी 6 प्लेस है, ये भी 6 प्लेस पे है। ओके स्टूडेंट देखिए ये भी लैक पे है, ये भी लैक पे है, लैक लैक प्लस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट क्या हो गया, 2 और 1 3 और बाकी सबकी 0। नहीं जी 0 नहीं होने जी, 0 तो एक ही है, 5 7 3 2। तो स्टूडेंट बाकी सब जो ऊपर डिजिट होते हैं वही सेम के सेम नीचे आते हैं, आप चेयर कॉपी पैड करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट तो अब ये डिजिट खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, 5 का आगे 4 0 प्लस 3000 प्लस 100 प्लस 60 और प्लस 2। ओके स्टूडेंट अब इन दोनों को ऐड करना, 1 2 3 4 5 प्लेस पे ऐड होगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 प्लेस पे यहाँ पे स्टूडेंट ऐड हो गया, तो 5 यहाँ 0 में 5 जोड़ दिया कितना हो जाएगा जी, 5 ही रहेगा होगा और इधर 3 है तो 3 ही रह जाएगा स्टूडेंट। ये जी इनके सबके नीचे 0 आएगी तो ये सब सेम के सेम आ जाएंगे, अब 5000 इधर ऐड होगा तो यहाँ 3000 बच जाएगा, अब स्टूडेंट 1 2 3 4 प्लेस पे ऐड होगा, 1 2 3 4 तो
स्टूडेंट फोर प्लेस पे ऐड होना है, फोर पे क्या है फाइव और यहाँ क्या है थ्री, फाइव और थ्री कितने हो जाएंगे जी एट, कैरी लगन जो इसमें ऐड होता तो ये सेम का सेम आ जाएंगे। अब हंड्रेड तो स्टूडेंट वन टू थ्री का ऐड होगा, वन टू थ्री तो सेवन और वन एट, बाकी सभी डिजिट सेम के सेम लिखी जाएंगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट वन टू टू प्लेस पर ऐड होंगे एन के टेन प्लेस पर, वन टू यहाँ थ्री है यहाँ सिक्स है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट नाइन, टू सेम रहेगा। अब टू को ऐड कर दीजिए, थ्री फाइव एट एट नाइन टू टू फोर, तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ चुका है ना, आप देख सकते हैं थ्री थ्री फाइव फाइव एट 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 नाइन नाइन फोर फोर आ गया बिल्कुल सही। देखिए स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन है, ऐसे करना क्यों सिखा रहे हैं, देखिए आपने देखा हमने हमें इन क्वेश्चनों को ऐड करने के लिए कॉपी पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हम इन्हें ऊपर नीचे कॉलम में ऐड किए बिना ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार लंबा तो है ये लॉन्ग है थोड़ा सा मेथड, लेकिन ये बिना किसी डिफिकल्टी के ही ऐड हो जाता है ना स्टूडेंट। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर ई, तो स्टूडेंट ये सोल्यूशन है, अब हम इसे लिखते हैं सेम की सेम डिजिट लिखेंगे जो भी ऊपर होगी, तो स्टूडेंट पहले हमने नवन स्टैंड डाल के इन्हें ऐड कर लिया जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे अब इन्हें एक्सपेंड कर लेंगे, जो भी डिजिट होंगी सब जीरो हो जाएंगी स्टूडेंट, फाइव जीरो आएंगी और सिक्स के आगे फोर, हमेशा जीरो कम होती चली जाती है और फाइव के आगे थ्री, क्योंकि थाउजेंड प्लेस पे आप देख सकते हैं फाइव थाउजेंड प्लेस पे है, फोर फोर थाउजेंड प्लेस पे है, हंड्रेड फोर हंड्रेड प्लेस पे है स्टूडेंट, एट्टी एट टेन प्लेस पे है और एटी वन प्लेस पे है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म का था इसमें वो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें इन्हें वन बाई वन ऐड करना है। ओके स्टूडेंट अब सिक्स प्लेस पे यहाँ ऐड होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यानी कि लैक प्लेस पे वन है, इधर भी लैक प्लेस पे वन है तो वन वन टू हो जाएगा और बाकी जीरो जो ऊपर लिखी हुई है स्टूडेंट जो भी डिजिट ऊपर है वो सेम की सेम नीचे आती रहेगी, ठीक। अब स्टूडेंट ये तो ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे, ठीक है जी। अब वन टू थ्री फोर फाइव प्लेस पे ऐड हो गए स्टूडेंट, वन टू थ्री फोर फाइव, तो स्टूडेंट यहाँ सिक्स है यहाँ फोर है तो सिक्स और फोर कितने हो जाएंगे टेन, और एक कैरी है तो इसमें ऐड हो जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ थर्टी हो गए और बाकी सेम की सेम डिजिट आ जाएंगी नीचे। अब ये इसमें ऐड हो गया
ओके स्टूडेंट, अब 1 2 3 4 फोर प्लेस पे ऐड होंगी, 1 2 3 4, तो यहाँ 3 है यहाँ 5 है। ओके स्टूडेंट, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। कैरी लगाएंगे तो पीछे की डिजिट सेम रहेगी और ऊपर की भी सेम की सेम रहेंगी। तो 400 प्लस 80 प्लस 8। ओके जी, अब 1 2 3 प्लेस पे ऐड होगी, 1 2 3 प्लेस पे ऐड होगी, 4 है यहाँ, यहाँ भी 4 है, 4 4 8 हो जाएगा। कैरी लगाएंगे पीछे की डिजिट भी सेम उतर जाएंगी, तो स्टूडेंट जो आगे है वे भी सेम की सेम लिखी जाएंगी। अब 80 प्लस 8, ठीक है जी। 1 2 2 प्लेस पे ऐड होंगे, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, 8 और 6 कितने होते हैं जी 14, कैरी 1 8 और 1 9, और जी यहाँ 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। तो स्टूडेंट अब देख लीजिए, यहाँ 1 पे 8 है यहाँ 5 है, कितने हो जाएंगे 8 और 5 कितने हो गए जी 30, कैरी 1 4 और 1 5 9 8 0 3, और ये आंसर आपका आ गया। ओके स्टूडेंट मैच कर लीजिए, 3 3 0 0 8 8 9 9 5 5 3 3, ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर है जी आपका है, तो स्टूडेंट ये एफ वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट हमने 1 10 के डाल के इन्हें ऐड कर लिया, स्टूडेंट हमने पहले ही बता चुके हैं ये रफ कार्य है, आप इसे रफ कॉपी में कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन स्टूडेंट यहीं से शुरू होगा, ठीक है। 3 2 8 1 0 5 प्लस, अब स्टूडेंट आप जानते हैं लैग में 5 0 आती है, तो यहाँ लेफ्ट प्लेस पर क्या है 1, तो इसका आगे 5 0 आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 4 4 का आगे 4 0 आ जाएगी स्टूडेंट, वो 1 1 0 घटती हुई चली जाती है। फिर स्टूडेंट ये है 0, तो हम इसे 0 को नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 3 का आगे 1 2, तो 2 0 आ जाएंगी। फिर 2 है, 2 का आगे 1 प्लेस है तो 1 0 आ जाएंगी, और जी 1। ओके स्टूडेंट, तो यह एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ठीक है। आप यहाँ 0 भी प्लस कर सकते थे स्टूडेंट, पर हमने नहीं किया, तो भी एक ही बात। अब स्टूडेंट देखिए 6 प्लेस पे, यानी कि लेग प्लेस पे 1 है, इधर भी लेग प्लेस पे 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1 3 और जी 1 4, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और बाकी सभी डिजिट सेम के सेम रहेंगी, ठीक है जी। अब ये ख़त्म हो गया, अब 40,000 आ जाएगा प्लस 300 आ जाएगा प्लस 20 और प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब 1 2 3 4 5 प्लेस पे ऐड होंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ ऐड होंगे स्टूडेंट, ये 4 है ये 2 है, कितना हो जाएगा 6, और ऊपर से देख के सेम की सेम डिजिट लिख देनी है स्टूडेंट। अब ये तो ख़त्म हो गया, अब 300 प्लस 20 और प्लस 1 1 2 3, यानी कि 100 प्लेस पे ऐड होगा, 1 2 3 100 प्लेस पे ऐड होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा 4, और जो ऊपर की डिजिट है स्टूडेंट में सेम की सेम आ जाएगी, और जो आगे की डिजिट है वो भी सेम की सेम आ जाएगी, ठीक है जी। अब 1 2 10 प्लेस पे ऐड होगा, 1 2 10 प्लेस पे ऐड हो जाएगा, ये 2 है ये 0 है, तो 2 का 2 ही रहेगा स्टूडेंट, कैरी नहीं लगा तो ऊपर की डिजिट सेम की सेम आ जाएंगी, और ये 5 है ये भी सेम का सेम आ जाएगा प्लस 1। ओके स्टूडेंट, 4 6 8 4
टू और फाइव और वन सिक्स, ये स्टूडेंट आंसर हो गया। अब आप आंसर को मैच कर सकते हैं, ये हमारा रफ कार्य था, इससे मैच कर लेंगे। फोर फोर सिक्स सिक्स एट एट, फोर फोर टू टू और सिक्स सिक्स। तो स्टूडेंट इनके लिए आपको आंसर सीट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे देखने में थोड़े से लंबे हैं, लॉन्ग हैं स्टूडेंट, लेकिन ये क्वेश्चन सभी बहुत आसान है। लॉन्ग तो है लेकिन बहुत आसान हो गई। अगर आप इन्हें ऐसे ही ऊपर नीचे लिख के ऐड करते हैं तो इनमें ऐड करने में थोड़ी कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ये आसान तरीका है लेकिन लॉन्ग है। ओके जी, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।